दोस्तों सलमान खान की मूवी टाइगर 3 चलेगी या फ्लॉप हो जाएगी, क्या लगता है आपको? टाइगर 3 मूवी का ट्रेलर देखकर तो यही लगता है कि टाइगर 3 मूवी में कुछ तो दम होगा ही, क्योंकि भाई सलमान खान अपने कैरियर का सबसे बड़ा कमबैक करने जा रहे हैं। और वैसे भी देखे तो टाइगर 3 एक सीरीज का हिस्सा है, यानी कि YRF स्पाई यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि पहले एक था टाइगर, फिर टाइगर जिंदा है, फिर वॉर मूवी आई, फिर पठान मूवी आई, और फिर अब फाइनली टाइगर 3 मूवी आने वाली है। और लोग कहते भी है कि टाइगर 3 मूवी YRF स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है। टाइगर 3 सीरीज की तीनों मूवी में एक कॉमन बात है, कैटरीना कैफ। जी हाँ दोस्तों, और खास कर बताऊँ तो अभी सलमान खान और अरिजीत सिंह के बीच में काफी समय पहले कुछ लफड़ा हो गया था। इसी वजह से सलमान खान की मूवी में म्यूजिक अरिजीत सिंह नहीं देते थे, इसी वजह से सलमान खान की मूवी बारंबार फ्लॉप होती जाती थी। अब लोग कहते हैं क्या है सच है कि गलत, आपको अगर सच में मालूम है तो कमेंट्स करके जरूर बताना। मैंने जितने भी वीडियो देखे हैं उन सब में तो यही कहा गया है कि अरिजीत सिंह के म्यूजिक के बिना सलमान खान की मूवी चल ही नहीं पाएगी। ठीक वैसे ही शाहरुख खान की मूवी जैसे हिट होती है अरिजीत सिंह के म्यूजिक के कारण, वैसे ही सलमान खान की मूवी बारंबार फ्लॉप हो रही थी। उसका सिर्फ एक ही कारण था, अरिजीत सिंह का म्यूजिक का न होना। और दोस्तों टाइगर 3 मूवी के बारे में पहले जब ट्रेलर आया तब सभी लोग यही बोलते थे कि भाई ये किस डायरेक्टर को मूवी दे दी है, इस डायरेक्टर ने जो भी मूवी की है वो सिर्फ फनी मूवी की है, उसमें कितना दम है वो किसी को पता नहीं था। लेकिन जब ट्रेलर आया और सलमान खान की मूवी टाइगर 3 के धमाके ट्रेलर में दिखे तभी सभी ने सोच लिया कि भाई डायरेक्टर कैसा भी हो लेकिन मूवी में कुछ ना कुछ तो होगा ही। और टाइगर 3 मूवी के बारे में कुछ लोग ऐसे भी बातें कर रहे हैं कि भाई सलमान खान का कमबैक हो रहा है, सलमान खान के लिए टाइगर 3 मूवी बनाई गई है और सलमान खान के लिए ही इतना बड़ा बजट दिया गया है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को टाइगर 3 मूवी में सलमान खान के कैरियर को साइड में रखकर बहुत सारे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। जी हाँ, क्योंकि भाईजान तो भाईजान है। और अब भाईजान को साइड में करके सबसे पहली बात करते हैं इमरान हाशमी की, तो काफी सालों के बाद टाइगर 3 मूवी में दिखने वाले हैं एज अ विलन का रोल में। नंबर 2 पर है शाहरुख खान। शाहरुख खान की भी लोग काफी बातें कर रहे हैं कि टाइगर 3 मूवी में शाहरुख खान का भी काफी लंबे समय का स्क्रीन प्रेजेंटेशन हो सकता है। होगा यही तो कन्फर्म है, लेकिन कितना हो सकता है वो कन्फर्म नहीं है। नंबर 3 पर है अरिजीत सिंह, जो काफी समय से सलमान खान की मूवी में मिसिंग थे। नंबर 4 पर है साउथ के सुपरस्टार जूनियर NTR, इनकी बात भी लोग काफी समय से कर रहे हैं। जूनियर NTR का भी कैमियो टाइगर 3 मूवी में हो सकता है एज अ विलन के रोल में। और दोस्तों टाइगर 3 मूवी को सबसे बड़ी चुनौती होगी वर्ल्ड कप की मैच। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड कप की मैच के लिए सेमीफाइनल्स की मैच चल रही होगी और सभी टीमें आपस में वर्ल्ड कप जीतने के लिए झजूम रही होगी। तभी उतने में यानी कि 12 नवंबर को सलमान खान की मूवी टाइगर 3 थिएटरों में रिलीज होगी। तभी एक तरफ तो मैच चल रही होगी और दूसरी तरफ टाइगर 3 मूवी होगी। अब लोगों के कहने के मुताबिक टाइगर 3 मूवी का प्रमोशन स्टेडियम में भी करवाया जाएगा, ये लोग कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इंडिया में क्रिकेट का क्रेज तो आप देखते ही हो, तो अब लोगों को टाइगर का बुखार आएगा या फिर क्रिकेट का बुखार आएगा? तो अब ऐसे समय में जब वर्ल्ड कप के मैच चल रहे होंगे और उसी में भी इंडिया की टीम खेल रही होगी और वैसे में टाइगर 3 मूवी रिलीज होगी। लेकिन दोस्तों आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ जो कन्फर्म है, इंडिया में क्रिकेट का बुखार तो आप देख ही सकते हो। वैसे में दोस्तों टाइगर 3 मूवी को छोड़कर सभी लोग क्रिकेट के ही दीवाने बन जाएंगे। और सलमान खान की मूवी टाइगर 3 रिलीज होने के 2 हफ्ते बाद ही तुरंत सामने रणवीर कपूर की एनिमल मूवी आ जाएगी। तो दोस्तों अब आप ही बताओ, टाइगर 3 मूवी मैं मानता हूँ कि कमाई बहुत करेगी, लेकिन किसी मूवी का रिकॉर्ड तोड़ना ये थोड़ा सा कम लगता है, क्योंकि भाई कोई भी मूवी को 1 या 2 हफ्ते का ही समय मिलता है बाजी मारने का। उसके बाद कोई न कोई मूवी चाहे छोटी हो या बड़ी, लेकिन उसके सामने आते ही मूवी के कलेक्शन में काफी ज्यादा हद तक सफाया करने लग जाती है। और वैसे एनिमल मूवी का क्रेज तो आप देखते ही हो, क्योंकि रणवीर कपूर एक चॉकलेट हीरो है और उनके कैरियर की ये ऐसी भयानक मूवी है जिसे देखने हर कोई थिएटर में जाएगा। और रणवीर कपूर को छोड़ो सब लोग सिर्फ और सिर्फ बॉबी देओल के विलन के कमबैक को देखने के लिए तो कंफर्म जाएंगे ही जाएंगे। तब टाइगर 3 को 2 चुनौतियां पार करनी होगी, वो भी काफी बड़ी है। एक तो मैच की चुनौती और उसके बाद एनिमल मूवी रिलीज होगी तो उसी की चुनौती। आप लोगों को क्या लगता है, क्या सलमान खान की मूवी वर्ल्ड कप मैच को टक्कर देकर रणवीर कपूर की मूवी एनिमल के साथ में भिड़ कर कोई बड़ी सी मूवी का रिकॉर्ड बीट कर पाएगी? कमेंट्स करके जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना।